दिवाली में गर्म है कल्याण के फूलों का बाजार, भारी मात्रा में बनाए जा रहे हैं फूलों की माला, नासिक, पुणे, ठाणे, मुंबई, धुले जैसे जगहों पर भेजी जा रही है सप्लाई। मुंबई के कल्याण बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि इस साल पहले कोरोना और फिर भारी बारिश ने सभी क्षेत्रों को आर्थिक रूप से हिला दिया है। उन लोगों के लिए स्थिति और भी खराब है जो फूलों जैसे खराब होने वाले उत्पादों का व्यापार करते हैं। त्योहारों की पूर्व संध्या पर फूलों की कीमत यूं तो हर साल बढ़ जाती है, हालांकि यह वर्ष कोरोना के कारण बहुत कठिन रहा है। फिर भी फूलों की कीमतें आसमान छू गई हैं, जो दिवाली के नज़दीक आते ही और बढ़ जाएगी। इसलिए फूलों के व्यापारी पहले ही फूल खरीदकर हार बनाने में लग गए हैं। जैसा कि सबको पता है कि फूल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए दिवाली से इतना दिन पहले बने फूलों के हार खराब न हो, इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। व्यापारियों ने उन फूलों को बचाने के लिए बर्फ़ के साथ बड़े बड़े थैले में रखा है, जिससे कि फूल अधिक समय तक ताज़ा रह सकें। आपको बता दें, कल्याण के बाजार से यह फूलों के हार नासिक, पुणे, ठाणे, मुंबई, धुले जैसे तमाम जगहों पर भेजे जाते हैं। ये दिवाली का तैयारी चालू है कि सर, दो चार दिन पहले से बनाने को लेते हम लोगों ने, तो फूल का भाव बढ़ जाता है सर, 300-400 रुपये किलो होता, फिर नहीं जमता अपने को खरीदने को। उसमें क्या अपने को मिलेगा, दो पैसा मिलता है नहीं। अभी ऐसा 150-200 रुपये का भाव चालू है, इसके लिए हम लोग अभी दो चार दिन पहले तैयारी करते, बना के वो बर्फ़ के अंदर डाल के रख देते हार। अभी ऐसा दो चार दिन रह जाता, वो गोनी के अंदर डाल के अपना बर्फ़ डाल के रख देते हार। तो अपन इतने दिन पहले नहीं तैयार करेगा तो फिर लोगों को हार मिलता नहीं ना, इसके लिए दो चार दिन पहले बना के रखते हैं। नहीं, बाहर भी लेके जाते, होलसेल में लोग ले जाते, लंबे लंबे बेचने के भी ले जाते, और कल्याण डोंबली इधर उल्लासनगर इधर लंबे लंबे से लोग ग्राहक भी आते हैं, नासिक तक जाता है, पुणे तक भी जाता है, हार लेके जाते लोग जाने वाले। स्पेशल डेस्क TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।